हेलो एवरीवन, दिस इज एक सेकंड डॉग। आप सभी का स्वागत है आर्क सर्वाइवल इवॉल्व में। लास्ट टाइम हम लोग ये बेस बनाए थे और टैपिजारा टेम किया था, जो कि सामने बैठा हुआ है। ये 390 लेवल का था, अभी मैक्स हो गया 600 का। आज हम लोग अपना पूरा बेस बैटलमेंट से कवर करने वाले हैं। और ये रेप्ली मैंने ओनर से मांगा था, उन्होंने दे दिया। इसमें मेटल काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो मैंने इंडस्ट्रियल फोर्ज बना लिया। और हाँ, आज हम लोग अपने लिए एक पेस अपना अपने लिए एक ब्यूटीफुल हाउस भी बनाने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग बेटलमेंट लगाना। मैंने बना के रखा हुआ ऑलरेडी, तो इसको हटाता हूँ यहाँ से और यहाँ से लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे लग तो रहा है पर अटैच हो रहा है बार बार, तो मुझे आगे से लगाना चाहिए। तो इसको पूरा मैं क्लियर करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ लगा कर। तो मैंने बैटलमेंट लगा दिया है चारों तरफ से, आपको दिखाता हूँ। और ये जो आप डायनो देख रहे हो, वो ये एडमिन ने दिया है, पेयर डायनो दिया है इन्होंने। दो गीगा रोंटो आरजी थेरी और क्यूटिल का पेयर दिया है। और हम लोग ने ये बैटलमेंट पूरा बेस कवर कर दिया है, तो क्यूटिल यहाँ बैठे हुए हैं। तो अब हम लोग अपना चल के बेस बना हाउस बनाते हैं। मैंने रिसोर्स रेप्ली में रखा हुआ है, चलो इसके अंदर रिसोर्स रखा हुआ है। और हाँ, ये सब रिसोर्स मुझे एडमिन ने दिया है। तो यहाँ से मैं ले लेता हूँ फ्रेंड्स फाउंडेशन। तो हम लोग को क्या करना है, पहले 8x5 का फाउंडेशन लगाना है और उसके ऊपर फ्रेंड्स फाउंडेशन लगाना है, 3-2 ये हो जाएगा 3। ऐसे हम लोग को चारों कॉर्नर पर करना है। मैं जल्दी से लगा देता हूँ, ये हो जाएगा 3। चलो ये हो गया। अब हम लोग को इसके ऊपर पिलर लगाना है, 3 height का 3 पिलर रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैं पिलर और वॉल ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एक हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3 हाइट हो गया 3 का। और यहाँ पे 1, 2 ये हो जाएगा 3, एक और ये हो गया 3। और ऐसे सेम चारों तरफ करना है हम लोग को। चलो ये हो गया। अब हम लोग को डबल हाइट का वॉल लगाना है, तो यहाँ पे छोड़ देते हैं और यहाँ से लगाना स्टार्ट करते हैं। चारों तरफ से मैं कवर कर देता हूँ। तो मैंने चारों तरफ से कवर कर दिया। अब हम लोग को एक एक पिलर ऊपर बढ़ाना है। तो ये मुझे नहीं मालूम मैं क्या बना रहा हूँ, पर जो भी बना रहा हूँ देखते हैं क्या बनता है। तो मैंने पिलर बढ़ा दिया है, तो अब इसके ऊपर लगेगा सीलिंग, जो कि मैंने लाया नहीं हूँ, रेप्ली में रखा हुआ है। ये रहा, हम लोग मेटल और स्टोन का मिक्स बनाने वाले हैं। ये लॉक हो जा रहा है, इसको अनलॉक कर देता हूँ मैं। अब चलो, तो मैं इसको पूरा कवर कर देता हूँ, सीलिंग को पूरा कवर करके मिलता हूँ। तो ऑलमोस्ट ये हो चुका है और दो जगह बचा हुआ है। ओह, यहाँ पे नहीं लगेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं वॉल लगा देता हूँ। वॉल लगा के बाद में देखा जाएगा क्या करना है यहाँ पे। और हाँ, जैसे नीचे डबल वॉल लगाया था, वैसे स्टोन का डबल वॉल ऊपर भी लगाऊँगा मैं। तो मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद आपसे मिलता हूँ। तो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने यहाँ पे जैसे बताया था डबल वॉल का स्टोन का लगा दिया है, ऊपर भी सीलिंग मैंने स्टोन का ही लगा दिया है। अब हम लोग को ऊपर का काम करना है, यहाँ सामने का। तो यहाँ पे मैं ग्लास वॉल यूज करूँगा, जो कि यहाँ पे लगेगा। और एक यहाँ पे, ओह ये उल्टा है, इसको पहले अंदर लो। तो ये हो जाएगा यहाँ पे, इतना पे लगा हुआ है, 1, 2, 3, 4 नहीं, सेंटर में लग गया ये। इसको हम लोग को साइड में लगाना है, इसको तोड़ो। हम लोग को यहाँ पे लगाना है, इस जगह पे। तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा दूसरा। तो ऐसे ही दूसरे साइड भी करना है। मैं क्या बना रहा हूँ मुझे नहीं मालूम,
देखते हैं कैसा बनता है। ये हो जाएगा और इसके ऊपर हम लोग अटैच का क्या बोलते हैं उसको स्लोप यूज करने वाले हैं, जो कि कुछ इस तरह से होगा। और सामने मैं ग्लास वॉल लगा दूंगा यहाँ पे ऐसे, और नहीं नहीं इसको निकाल लेता हूँ पहले, मैं उसको कंप्लीट कर देता हूँ कि यहाँ पे वॉल लगेगा नहीं, उसको कंप्लीट करता हूँ पहले। चलो ये हो गया, और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ थैच का लगा दूँ ट्रायंगल, ये रहा। चलो ये हो गया, तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूँ, एक यहाँ पे हो जाएगा और एक यहाँ पे, ये हो गया और सेम दूसरी साइड भी हो गया। तो अब हम लोग यहाँ पे सेंटर में बनाने वाले हैं, जो कि यहाँ पे लग जाएगा और बीच में ग्लास वॉल लग जाएगा कुछ इस तरह से, ये हो गया। अब इसके ऊपर स्लोप आ जाएगा, इसके ऊपर हम लोग लगा देंगे स्टोन का वॉल। चलो ये हो गया, और ओ मैंने पीछे तो लगाया नहीं कुछ, देखो ज़रा पीछे देखूँ कैसे लगेगा लॉल। तो इसको हटाता हूँ मैं पहले, अब यहाँ पे लगाता हूँ स्टोन ग्लास वॉल और साइड में ट्रायंगल, ये हो जाएगा एक और ये हो गया दूसरा। चलो अब लगा देता हूँ इसके ऊपर सीलिंग, कैसा लग रहा है लॉल भाई। इसको मैं थोड़ा बना के फिर आपसे मिलता हूँ, पूरा देखता हूँ कैसे लगाना है। तो मैंने पता नहीं क्या मैंने बना दिया झोपड़ा टाइप का, जो कि दिखने में भी अच्छा लग रहा है। जो मैंने पीछे बनाया था उसको मैंने आगे कर दिया है, थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है दिखने में। तो इसको और कस्टमाइज़ करते हैं, तो मैंने थोड़ा बहुत बना दिया है। अब यहाँ पे मैं रेलिंग लगा देता हूँ चारों तरफ से, और ये हो जाएगा लास्ट वाला। अब देखते हैं कैसा लग रहा है अपना बेस। मैंने ये क्या बनाया मुझे नहीं मालूम, तो यहाँ पे देखो कैसा लग रहा है। मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैं क्या सोच रहा हूँ, जो बड़ा ट्रायंगल है इसको हटा के मैं पीछे कर दूँ तो थोड़ा बहुत अच्छा दिखेगा। चलो फिर देखता हूँ, वही करता हूँ मैं, इसको पीछे कर देता हूँ, उन दोनों को आगे कर देता हूँ। मैं इसको बना के आपको दिखाता हूँ। तो मैंने आपको इस तरह से बोला था बनाने के लिए कुछ इस तरह से, ये उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और मैंने स्टोन का पूरा यूज़ किया है, तो ये दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है पीछे से भी और सामने से भी। तो अभी के लिए यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं, उम्मीद है आपको ये पसंद आए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।